केंद्र सरकार अग्निपथ योजना पर खूब बोल रही है। बिहार में बीजेपी के सांसद से लेकर विधायक और विधान पार्षद तक इस स्कीम की प्रशंसा करते नहीं अघा रहे। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने टास्क भी दे रखा है, इसका सोशल मीडिया से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म पर जमकर गुणगान करना है, साथ ही युवाओं को मोटिवेट भी करते रहना है। पिछले दिनों बीजेपी की हुई बैठक में इस स्कीम पर सुस्ती दिखाने वाले जनप्रतिनिधियों की क्लास भी हुई थी, लेकिन इसी मुद्दे पर बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल का स्टैंड कुछ और ही है। सबसे खास बात कि अग्निपथ स्कीम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल चुप है, वे कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। इसका असर बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी देखा गया। हालांकि इस बार का मॉनसून सत्र भी काफी छोटा था, महज 5 दिनों का सत्र था, लेकिन 5 दिनों में भी न अग्निपथ पर कोई चर्चा हुई और न ही मुख्यमंत्री ही कुछ बोले। यहां तक कि इस बार तो पूरे सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन ही रह गए। अग्निपथ स्कीम पर जो कुछ भी हंगामा होता रहा वह विपक्ष की ओर से ही हुआ। विपक्ष ने विधानसभा के कैंपस से लेकर सदन के अंदर तक इस मुद्दे को गरमाए रखा। दूसरी ओर आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहकर बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है कि जेडीयू की विचारधारा आरजेडी से मिलती है और जेडीयू बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग अलग है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कोई एक मुद्दा रहे तो डील भी हो जाए, लेकिन यहाँ कई मुद्दे हैं जिन पर जेडीयू असहज हो रही है। बीजेपी की ओर से भी बार बार कुछ ऐसे ही मसलों को उठाया जा रहा है जिस पर जेडीयू की कभी सहमति हो ही नहीं सकती। खासकर नीतीश कुमार तो बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जातीय जनगणना पर बीजेपी ने सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन पार्टी नेताओं को यह पच नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी के कई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग को लेकर नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं, लेकिन इसी बीच कई राजनीतिक घटनाओं ने नीतीश कुमार को चुप रहने को विवश कर दिया है। ऐसे में उनकी चुप्पी से बीजेपी की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो आपको पता ही है कि बिहार में इस बार 5 दिनों का ही मॉनसून सत्र चला, इसमें भी लाखों खर्च हो गए, लेकिन इसका मैक्सिमम टाइम हंगामे में ही बीत गया। इस हंगामे को रोकने के लिए न तो सरकार ने ही पहल की और न ही विपक्ष ने संयम से काम किया। एक विधान पार्षद ने तो दबी जुबान से ही यह भी कह दिया कि बहुत ही दुखद बात है कि सत्र का मैक्सिमम टाइम हंगामे में ही बीत गया, जबकि वे लोग सवालों और मुद्दों को सदन के अंदर उठाने के लिए महीनों से मेहनत करते हैं, लेकिन हंगामे की वजह से सारी मेहनतों पर पानी फिर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही रही कि इस 5 दिनों के सत्र में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे, सदन के अंदर कुछ नहीं बोले। वे क्यों नहीं बोले इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी केवल कयासबाजी ही कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, तब सियासी गलियारे में लगा कि कुछ बड़ा मसला, लेकिन बाद में यह जानकारी मिली कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ सकते हैं। उसी की जानकारी देने के लिए वे गए थे, लेकिन अंदर खाने से कहा जा रहा है कि इन दिनों विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा से नीतीश कुमार कुछ अधिक ही नाराज हैं। इस नाराजगी को दूर करने के बजाय स्पीकर ने कई ऐसे मामलों को उठा दिया जिससे यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन स्पीकर विजय सिन्हा ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि विधायकों को जिला मुख्यालय परिसर और प्रखंड कार्यालय परिसर में अलग से ऑफिस दिया जाएगा। कहा जाता है कि इस ऐलान से नीतीश कुमार हैरान रह गए, इसे लेकर विधायकों के बीच मर्मिंग भी होने लगी। अगर इस तरह का कोई प्लान था तो इसे सीएम ऐलान करते, लेकिन स्पीकर ने ऐलान करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया। इसे नीतीश कुमार के समर्थक ही नहीं विपक्ष के लोग भी स्तब्ध हैं, लेकिन इस पर अधिकृत रूप से कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि स्पीकर के इस ऐलान से जेडीयू खेमा खुश नहीं है। कहा जाता है कि इसी का साइड इफेक्ट था कि मॉनसून सत्र के तीसरे दिन जेडीयू ने भी चर्चा का बॉयकॉट कर दिया। दरअसल उस दिन भी स्पीकर ने नया मामला ही उठा दिया। यह मामला था उत्कृष्ट सदन और विधायकों के चयन का। इस चर्चा पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी, लेकिन अचानक इस पर सदन में चर्चा कराने की बात कही गई। एक दिन पहले की नाराजगी दूसरे दिन और अधिक बढ़ गई। ऐसे में जेडीयू के पास चर्चा को बॉयकॉट किए जाने का अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। ऐसे में नीतीश कुमार भी पूरी तरह सतर्क हो गए। कहा जाता है कि पार्टी की तरफ से जेडीयू के विधायकों मंत्रियों को सदन की कार्यवाही से अलग रखने का मौखिक निर्देश दे दिया गया।
इसे लेकर मुख्य सचेतक और मंत्री श्रवण कुमार ने अपने नेताओं के साथ बैठक भी की थी। जब बॉयकॉट का मैसेज बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास दिल्ली पहुंचा, तो धर्मेंद्र प्रधान सभी काम धाम छोड़कर सीधे पटना पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट से वे इधर उधर न जाकर सीएम आवास पहुंच गए, तब जाकर बात बनी। लेकिन इस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार चुप है। बहरहाल अग्निपथ पर जेडीयू आज की डेट में भी अपने स्टैंड पर कायम है और पार्टी के नेता लगातार अग्निपथ स्कीम पर पुनर्विचार करने को कह रहे हैं, जबकि इसे लेकर अब एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी भी मुखर होकर बोलने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार को इस योजना के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, एक नए दिन से वापस लेना ही पड़ेगा। इस योजना से देश का युवा खुश नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी के बीच उनके बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक बीजेपी पर लगातार बरस रहे। जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही थी, तब जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कड़े तेवर से बीजेपी को चेतावनी दे दी। उपेंद्र कुशवाहा ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि बीजेपी नेता भी समझ गए कि जब नीतीश कुमार एनडीए में है तभी तक बिहार में एनडीए है, जिस दिन ये नहीं रहेंगे बिहार में एनडीए खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के बिना एनडीए की कल्पना नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर कुशवाहा ने माना कि बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है और जेडीयू की अलग, दोनों की आइडियोलॉजी एक हो ही नहीं सकती, इसलिए महाराष्ट्र वाली घटना बिहार में नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी और जेडीयू की विचारधारा एक जैसी है, दोनों की विचारधारा में नजदीकी है, हालांकि दोनों ही दलों में व्यवहार में अंतर है। कुशवाहा ने कहा कि हमारे बातों के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। भले ही कुशवाहा ने कह दिया कि उनकी बातों का कोई राजनीतिक मायना नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो राजनीतिक मायने निकालने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कई दफे बीजेपी को चेता दिया है। उन्होंने तो पिछले महीने ही संजय जायसवाल पर भी सीधा हमला किया था। हालांकि इसके बाद से न तो ललन सिंह कुछ बोल रहे हैं और न ही संजय जायसवाल ही कुछ बोले हैं। हाँ, बीच में संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा में ट्विटर विवाद हुआ था, जबकि जेडीयू के बाकी नेता तो बीजेपी पर खूब हमले कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट को अब भी इंतजार है कि इन तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार का क्या रुख है और वे क्या बोलते हैं। लाइव सीरीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।